तो राम राम जी, कैसे हैं? शायद आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों के सामने जो है गुड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पूरे अंत तक जो है इस वीडियो को वॉच करिएगा, पूरे अंत तक जो है इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आप लोग जो है थंबनेल देखकर जो है इस मेरी वीडियो को जो है देख रहे हैं। अगर इस चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सबसे पहले क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक बटन को दबा दीजिए। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि सेकंड मेरिट लिस्ट जो है जल्द ही आने वाला है। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का प्रकाशन हो चुका है गवर्नमेंट कॉलेज का, लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट का प्रकाशन होना बाकी है गवर्नमेंट कॉलेज का, और प्राइवेट कॉलेज का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है जल्द ही आने वाला है। तो यानी कमिंग सून है, जिस दिन आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट का प्रकाशन होगा सबसे पहले वीडियो जो है आप मेरा देखिएगा। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कितने रैंक आपका है और कितने रैंक पे जो है आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कितने रैंक पे जो है आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ये सारी बातें जो है आप लोगों में बताने वाला हूं। तो आप पूरे अंत तक जो है इस वीडियो को वॉच करिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं उन सभी को जो है इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। कोई ग्रुप आपका बनाए हैं तो ग्रुप में जो है वीडियो को शेयर कर देंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम देखेंगे कि बिहार डीएलएड एडमिशन 2024 के जो है मद्देनजर देखते हुए हम लोग जो है सबसे पहले जो है देखेंगे बिहार डीएलएड एडमिशन जो है 2024। तो यहां जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट की अकॉर्डिंग जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है मैं बताने वाला हूं। सेकेंड मेरिट लिस्ट ये जो है हमारा किसका है, तो आप यहां देख रहे हो जीओबीटी यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज का। अगर आपका नंबर जो है 80 है, 75 है या 70 है, तो आप लोगों का जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का जो है आशा है। हो सकता है कि 70 नंबर वाले बच्चे का भी जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके, ठीक है। तो जिस कॉलेज में जो है ज्यादा सीट अगर फुल हो गया है तो 70 वाले बच्चे का जो है एडमिशन नहीं हो पाएगा। अगर कॉलेज में सीट अभी खाली पड़ा है तो हो सकता है संभवतः 70 वाले बच्चे का जो भी एडमिशन हो सकता है, किसमें, तो गवर्नमेंट कॉलेज में। तो गवर्नमेंट कॉलेज में पहले जो है आप देख लेंगे फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट का कटअप जो आया था, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं वहां का पहले कटअप आप देख लीजिए, और आप सबसे पहले याद रखेंगे कि 5 अंक जो है आप उसमें से कम कर सकते हैं। कितने अंक, मात्र 5 अंक कम कर देंगे। अगर 5 अंक कम करके जो है आपका इस नंबर में आ जाता है तो श्योर है कि आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे का जवाब आ रहा था, मैसेज कमेंट आ रहा था कि सर मेरा इतना नंबर है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं। तो प्राइवेट कॉलेज वाले भी बच्चे के लिए जो है मैंने यहां बनाया है कि प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे का जो है एडमिशन 2024 में अगर 68 नंबर है, 65 नंबर है और 60 नंबर है तो उनका जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आने की जो है संभावना दिख रही है कि नाम उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो है आ सके, ठीक है। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो है कहीं हो सकता है संभवता कि 68, 65 और 60 वाले बच्चे का जो है नंबर है तो उनका जो है प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। लेकिन फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने के बाद ही जो है हम फाइनली अनुमान लगा पाएंगे कि कितना कटअप जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट का जाएगा, सेकेंड जो है मेरिट लिस्ट का जो है जाएगा। तो कम बच्चे वाले जो भी नंबर वाले बच्चे हैं अगर 60 से नीचे हैं तो वे जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए जो है इंतजार करेंगे कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में अगर उनका नाम आ जाता है तो आसानी से जो है उनका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने के बाद ही जो है हम कोई भी डिसीजन ले पाएंगे। तो आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।